और एक राधा स्वामी वाला कोई भाई है, कोई सत्संगी भाई है उनके पंथ में, उसने एक वीडियो डाली है पांच नाम के ऊपर, और उसने ये साबित करने की कोशिश करी कि कबीर साहब पांच नाम का जिक्र करते हैं। अब उस भाई को मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं वो कौन है। अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, ये वीडियो उसको सेंड कर देना, जो लोग उसकी वीडियो देख चुके हैं वहाँ पर इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना, ताकि उसको मेरी ये बात पहुँच पाए उसके पास। पहली बात तो ये है कि कबीर साहब ने कभी भी दो नाम, चार नाम, पांच नाम, 10 नाम, 20 नाम, लाख नाम, करोड़ नाम की बात ही नहीं करी। वो तो सारे नामों को छुड़ाने के लिए इस संसार में आते हैं। उन्होंने बोला, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई, बूझे बिरला कोई। अब गुप्त नाम क्या है? ये कोई पांच नाम नहीं है कि राधा स्वामी पंथ वाले पांच नाम। ये राधा स्वामी वाले पांच नाम कोई गुप्त नाम नहीं है, ये तो उजागर नाम है, ये तो वाणियों में लिखे पड़े हैं, कोई भी पढ़ ले। लेकिन वो भाई इनको गुप्त नाम समझ के बैठा है कि ये गुप्त नाम है, कुछ नहीं है इसमें। पहली बात तो ये है कि राधा स्वामी वालों को यही नहीं पता है कि हम पांच नाम दे रहे हैं, यानी पांच धनियों के नाम दे रहे हैं, या छह नाम दे रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता है। पांच नाम किसके बोलते हैं? कि पांच धनी हैं, धनी यानी पांच भगवान कह लो या पांच राजा कह लो। हर रूहानी मंडल का एक राजा, उसका नाम जपोगे तो आगे जाने देगा, ऐसे बोलते हैं ये। नाम दीक्षा के वक्त क्या कहते हैं कि आपको पांच नाम दिए जा रहे हैं, ये पांच रूहानी मंडलों के राजा हैं, धनी हैं। हर मंडल का एक धनी है, उसका नाम जपोगे तो वो धनी आपको रोकेगा नहीं, आप आराम से आगे जा सकते हो, ये इनका ज्ञान है। अब असल में इन अज्ञानियों को यही नहीं पता कि हम पांच धनियों का नाम जप रहे हैं कि छह धनियों का। इनको इतना भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि सब नकल मार के बैठे हुए हैं, नकल मार के। इनके पास अपना कुछ नहीं है, अपना इनका कुछ नहीं है, सब नकल मारी हुई है। जो पुराने संतों की वाणियों में जो नाम लिखे होते थे, उसी की नकल मारी है। कौन कौन से नाम? ज्योत निरंजन। अब ज्योत निरंजन क्या है? इनको यही नहीं पता कि ज्योत निरंजन एक धनी नहीं है, ये दो धनियों के नाम है। ये एक अस्तित्व नहीं, ये दो अस्तित्व के नाम हैं। जैसे हम कहें सीताराम, राधे कृष्ण, तो ये एक नहीं, दो लोगों के नाम हैं, एक राधा एक कृष्ण, एक सीता और एक राम, ये दो धनी हो गए, समझ लो। ऐसे ही जब पहला नाम जपा जाता है ज्योत निरंजन, तो ये एक नहीं है कि कोई इसको एक समझ ले, ये दो हैं, एक ज्योत और एक निरंजन। इसी को शिव शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति। तो ये राधा स्वामी वाले शिव शक्ति के पुजारी हैं, ये उनका नाम जपते हैं। शिव शक्ति कह लो, ब्रह्म और माया कह लो, नर और प्रकृति कह लो, पुरुष और प्रकृति कह लो, ये उसके नाम जपते हैं। तो पहला जो है नाम, वो दो धनियों का नाम है, ज्योत निरंजन। उसके बाद ओंकार, ओंकार भी इसी ब्रह्म का दूसरा नाम है, पर्यायवाची। ओंकार शिव का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची। और ये सोच के बैठे हैं अज्ञानी कि ये दूसरे धनी का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
ऐसा कुछ नहीं है। समझ लो, ज्योत निरंजन ही ओंकार है, उसी का नाम है। ओंकार है वेद का मूला, ओंकार में सब जग भूला, ओंकार जो वेद बखाने सोई काल, कोई मरम ना जाने, वही है ब्रह्म, उसी को काल बोला है कबीर साहब ने। समझ ले, तेरे भले की कह रहा हूं, अटक जाएगा नहीं तो यहीं पे, और बाबा के चक्कर में लटक जाएगा यहीं पे। तो क्या करना है, ज्योत निरंजन ये शिव और शक्ति, पुरुष प्रकृति, ज्योता वाली माता और अलख निरंजन का रूप है, समझ लो। ओंकार भी इन्हीं का रूप है, ओंकार भी इन्हीं का नाम है। रारंकार, रारंकार कोई धनी नहीं है कि तुम कहो रारंकार कोई धनी का नाम है। रारंकार अनहद नाद का नाम है, समझे। रा रा करके आवाज आती है दसम द्वार पे, रारंकार खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रारंकार पहचाना। रारंकार ये धनी का नाम नहीं है कि तुम धनी का नाम मान के बैठे हो। ये रारंकार दसम द्वार के नीचे होने वाली वो धुन है जिसको सुन के ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इस काल के जाल में, इसी दुनिया में रह गए, इसी तीन लोक में रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। वो रह गए तो तुम कैसे बढ़ जाओगे आगे, जब वो नहीं पार कर पाए इसको तो तुम कैसे कर लोगे, समझ लो। तो कबीर साहब ने साफ बोला, साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन पांच शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। कबीर साहब की वाणी है, पढ़ लेना जाके। संतों शब्दे शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। ये ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम इन पांच शब्दों में अटक गए, सारे अटक गए, समझ लो। और तुम बता रहे हो कि कबीर साहब पांच नाम की बात कर रहे हैं। अभी अनजान हो, अभी नादान हो, अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। तो साहिब आगे क्या समझा रहे हैं, आप वाणी पढ़ेंगे कबीर साहब की जितनी भी, उसमें आपको जीव शिव और पीव स्तर की वाणी मिलेंगी। अब ये आपकी बुद्धिमता है, ये आपका विवेक है कि आप उस वाणी को किस प्रकार देख रहे हैं, समझ लो। अब ये सरदार भाई क्या कर बैठा, ये राधा स्वामी का शिष्य क्या कर बैठा, ये पांच शब्द की जहां पर भी बात हुई है उसके स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के कह रहा है कि कबीर साहब इन पांच नामों का जिक्र करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। कबीर साहब ने कभी कहा ही नहीं कि ये पांच नाम ही फुल फाइनल है, कभी नहीं। हाँ, उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया कि हमारी काया में ही ये पांच नाम बसते हैं, लेकिन इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति के नाम कुछ और हैं, मुक्ति के नाम कुछ और हैं, और ये पांच नाम पांच धुने ये सब हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो साहिब ने समझाया अच्छे से, पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम काल के हैं। तो तीसरा नाम जो रारंकार है वो कोई धनी का नाम नहीं है भाई, वो अनहद नाद का एक रूप है, रारंकार रूप दसम द्वार के नीचे ठिकाना जिसका। अब सोहंग ये कोई धनी नहीं है कि तुम इसको धनी मान के बैठ जाओ कि चौथे रूहानी मंडल का महासुन का धनी है, ये कोई धनी वनी नहीं है, ये
गलत फहमी में मत रहना। सोहम का मतलब है जो तू सो हम, यानी तुम्हें वहां पर ऐसा एहसास होने लग जाएगा कि जो परमात्मा है वो मैं ही हूं। इसका मतलब धड़ी तुम ही हो गए कोई और धड़ी नहीं, तुम ही हो गए, जो तू सो हम। फिर कौन धड़ी और कौन सेवक? लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा ये जो मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज राधा स्वामी की ही किताब में मिल जाएगी। सार वचन जिसका सफेद जिल्द है, जिसकी आप देखोगे उसमें, उस सार वचन में पीछे जाओगे जब शब्दार्थ जहां पे लिखे होते हैं आप देखोगे, आपको चार नाम के शब्दार्थ मिल जाएंगे। ज्योत निरंजन का भी शब्दार्थ मिल जाएगा, ओंकार का शब्दार्थ मिल जाएगा, रारंकार का शब्दार्थ मिल जाएगा, सोहम का शब्दार्थ मिल जाएगा, लेकिन सतनाम का शब्दार्थ नहीं मिलेगा। मतलब जो चीज चाहिए उसका शब्दार्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई शब्दार्थ ये कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि सतनाम का शब्दार्थ क्या लिखेंगे? सच्चा नाम, सच्चा नाम ही धनी है। अरे सच्चा नाम है क्या वो बताओ। दास महल सिंह भिखी विंड, सतगुरु जी की जय हो। दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम, साई बंदगी। तो मेरे भाई सतनाम क्या है ये जानना है। सतनाम सतनाम जपना नहीं है कि तुम सतनाम सतनाम जपने लग गए। इन लोगों ने सतनाम जपवा के बर्बाद कर दिया जन्म लोगों का। सतनाम तो पूछने की चीज है, गुरु से पूछो जाके, गुरु जी सच्चा नाम क्या है, सच्चा नाम क्या है वो बताओ, उसका सिमरन किया जाए। और सच्चा नाम ये 52 अक्षरी नाम नहीं है मेरे भाई। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। कैसे समझाया जाए तुम्हें? सच्चा नाम लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, सच्चा नाम 5 नहीं है, सच्चा नाम 1 है। तेरा एक नाम तारे संसार। हेलो साहिब बंदगी की, सतनाम अगर जी। हाँ सतनाम साहिब बंदगी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर जी कुछ आपने एक प्रश्न था कि अपने जो नितिन साहिब जी है जो कुछ सत्संग में फरमा रहे थे जी, कुछ सत्संग में सुना था कि ज्योत निरंजन के बारे में बता रहे थे कुछ, स्वामी जी महाराज के, राधा स्वामी, हाँ हाँ राधा स्वामी पंत में ज्योत निरंजन के बारे में कुछ बता रहे थे। ज्योत निरंजन क्या अलग अलग है या एक ही है, क्या इसका कोई कोई प्रमाण है क्या आपके पास में? हाँ मेरे पास एक किताब है, संत प्रकाश भाग क्या। हाँ तो बताइए, अगर प्रमाण हो तो क्या है कि इसमें थोड़ा बढ़िया काम हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। हाँ तो मैं अभी खोल रहा हूँ। हाँ जी, संत मत प्रकाश भाग 4। हाँ जी, संत मत प्रकाश भाग 4, क्योंकि मैंने उसको पेज को मोड़ रखा। हाँ जी ये देखो, ये है अपने पास संत मत प्रकाश भाग 4। हाँ जी, उसका 381 का पेज नंबर। हाँ इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक दार वहां से चलाई, वैसे तो बहुत बड़ा है पेज ये। हाँ जी, लेकिन आपका जो प्रश्न ये है कि जो निरंजन जो सतगुरु नितिन साहब जी ने बताया है वो प्रूफ से ही देना है, मतलब प्रूफ से ही देना है, सही बात। तो ये प्रूफ है अपने स्वामी जी महाराज है ना, राधा स्वामी पंत वाली जो किताब है संत प्रकाश भाग 4, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ जी, तो 381 जो पेज नंबर है उसको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हाँ जी बताइए, अर्थ तो स्पष्ट अर्थ नहीं करना है अपने को। हाँ जी,
ज्योत निरंजन उसने बताया कि एक धार वहां से चल आई, धार दूसरी आन समय। हाँ जी। पुण्य मंडल कीना निज थाना, पुरुष प्रकृति राजा अस्थाना। हाँ जी। फिर स्पष्ट रूप से आया है 88 नंबर के पद पे कि ज्योत निरंजन संतन गाया। हाँ जी। और माया ब्रह्म वही ठहराया। हाँ जी। यानी ज्योत निरंजन जो है वो दो ताकत का नाम है, ज्योत यानी माया और निरंजन यानी ब्रह्म। हाँ जी। इसी को माया को तो शक्ति कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं शिव। शिव। इसी को स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि ज्योत निरंजन संतन गाया, माया ब्रह्म वही ठहराया। जी भगवान, बहुत अच्छी बात है ना। और शिव शक्ति इसी को कहते कहते युग यही को बीते। जी। और ब्रह्म सृष्टि रचना इन ठानी, यह भी भेद काऊ न जानी। हाँ जी। तो इसका मतलब ये जो ज्योत निरंजन है माया और ब्रह्म है। हाँ जी। माया यानी ज्योत, ब्रह्म यानी निरंजन, इसी को शिव और शक्ति कहते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो राधा स्वामी पंत जो है, इन भक्तों को ये भी पता नहीं है कि ज्योत निरंजन जो है वो शिव और शक्ति, ये माया और ब्रह्म का ही नाम है। ये तो एक ही जने लेकर के बैठे, तभी तो ज्योत निरंजन एक मान के चलते हैं ये। हाँ जी हाँ, एक ही शब्द मान के चलते हैं। वैसे तो एक छह शब्द हो गए, फिर पांच की जगह पांच नाम के। वो तो छह ही हो गए, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि पांच नामों में जो ज्योत निरंजन है वो पांच नौ करके छह, छह नाम है। हाँ बिल्कुल सही बात हो। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि संत मत प्रकाश भाव चार। हाँ जी। अब ये परमात्मा की कृपा है कि इस किताब के अंदर स्वामी जी के हाथों से ये गलती करवानी थी परमात्मा के हाथों से, ताकि भगत लोग बाद में समझ जाए, मूल ज्ञान को समझे। अच्छा जी भगत जी, बहुत अच्छा। मतलब जो असली संत होता है ना, वो कभी भी अपने ज्ञान को नहीं काटता, क्योंकि उसका जो ज्ञान होता है वो एक रस रहता है। हाँ जी। तो कहने का मतलब जो ज्योत निरंजन है वो मन और माया है, शिव और शक्ति है। ये चीज राधा स्वामी पंत की संत मत प्रकाश भाग चार में उद्धृत की गई है, लिखी गई है। और ये चीज भी क्यों लिखी गई है, क्योंकि ये परमात्मा की दया से लिखी गई है। वाह वाह। ये संत की कृपा से नहीं लिखी गई है। संत को तो पता भी नहीं है कि लिख क्यों थी, क्योंकि ये गलती परमात्मा ने जानबूझ के इन काल के दूतों से करवा दी थी। जी, इनको पता ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, पांच नाम बताते हैं। ताकि 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 संत समाज जो पार के लोग हैं, जो पार की भगत विवेकी लोग हैं, वो ये समझ जाए कि जिस पंथ से वो लोग जुड़े हुए हैं, उसी पंथ के प्रूफ से वो लोग समझ जाए कि हम जहाँ जुड़े हैं वो गलत है कि सही। हाँ सही बात। तो ये जो प्रूफ है ये स्वामी जी महाराज के हाथों से, कलम से, उनकी स्याही से ये लिखवाया गया था। परमात्मा ने जानबूझ के ये गलती उन्हीं के हाथों से करवाई थी। बहुत अच्छी बात। ताकि राधा स्वामी पंथ के लोग उस सत्य नाम के साथ जुड़ जाए, तो समझदार होगा वो जुड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और है कि राधा स्वामी पंथ में जो ओंकार है। हाँ जी। वही ज्योत निरंजन है, ज्योत निरंजन ही ओंकार है, इन दोनों का जो स्वरूप है वो एक ही है। अरे ओंकार, ओंकार का स्वरूप ये भी एक ही है क्या, इसका क्या स्वरूप है ओंकार? हाँ हाँ हाँ, ओंकार जो है वो हमारी त्रिकुटी के अंदर है, वो मन जहाँ का वासा है, और उसका जो ओंकार का जो स्वरूप है वो त्रिकुटी है, ज्योत स्वरूप है। अच्छा, ओंकार ओंकार का स्वरूप है जो त्रिकुटी है। हाँ, इसका प्रूफ आपने कहाँ मिला? इसका प्रूफ है, मेरे पास एक किताब है, मानव भक्ति निर्वाण धर्म ग्रंथ। जी। वो मानव भक्ति निर्वाण धर्म ग्रंथ, इसके अंदर उपदेश मंजरी के पेज नंबर 65 में दिया हुआ है। त्रिकुटी तो मन का वासा है, वहाँ तो वहाँ तो काल का। हाँ, काल का ही वासा है, वहाँ पे मन का ही वासा है, उसका जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। इसमें बताया गया है कि त्रिकुटी में ओम, त्रिकुटी में ओम, ओम में अनहद जानो, अनहद में ज्योति, ज्योति में मन पहचानो। आ गया ना, मन यानी ब्रह्म। बिल्कुल ओके ओके, बिल्कुल सही बात।
अच्छा मन की लय वहाँ वहाँ ब्रह्म परम पद मानो बिन गुरु मिले नहीं असली ठिकानो। यानी ये कल्याण भारती जी महाराज कहते हैं कि बिना सच्चे गुरु के ओंकार अनहद और ब्रह्म की साधना तो मिल जाएगी, जो स्वरूपी साधना तो मिल जाएगी, लेकिन असली ठिकाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। जी बिल्कुल सही बात है। और कहने का मतलब है कि राधा स्वामी पंथ में जो ओंकार और ज्योत निरंजन ये लोग अलग अलग नाम देते हैं ना जी, बस इनसे एक सवाल कर लो कि ओम का स्वरूप और ज्योत निरंजन का स्वरूप एक है या अलग है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो ये लोग यही चित हो जाएंगे। हाँ एक ही बताएंगे नहीं अलग अलग बताएंगे, क्योंकि तभी तो पांच नामों में अलग दिया है, ओंकार चीज अलग है और ज्योत स्वरूप अलग है, ये राधा स्वामी पंथ वाले की मान्यता है। अच्छा ये अलग अलग बताएंगे। लेकिन कबीर जी के ग्रंथों को और वाणियों को, संतों की वाणियों को जब अपन लोग समझेंगे, विवेकी भगत लोग समझेंगे, तो समझ में आएगी ओंकार का जो स्वरूप है, ज्योत निरंजन का जो स्वरूप है, वो एक ही चीज है। वो एक ही है, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना भगत जी? जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। जय गुरुदेव। आई समझ में? बिल्कुल सही बात है। जय गुरुदेव साहिब बंदी की, जय सतगुरु नितिन साहब जी की, जय हो, जय हो, जय सतगुरु कबीर साहब जी की, जय सदाई जय।